देखो, अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो, चाहे तुम YouTube के लिए वीडियो बनाते हो या फिर एक Instagram रील्स या फिर शॉर्ट्स के लिए वीडियो बनाते हो, अगर आपको नहीं पता बेस्ट AI टूल्स कौन कौन से हैं वीडियो क्रिएटर के लिए, तो ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। देखो, क्योंकि मैंने पर्सनली 20+ AI को यूज किया है, जिसमें मैं 5 ऐसे AI टूल्स लेके आया हूँ जिसको आप यूज करके अपनी वीडियो को कमाल का एक्सपीरियंस दे सकते हो, जिसमें से तीसरा और पांचवा तो मैं खुद पर्सनली रेगुलरली अपने वीडियो में यूज करता हूँ, तो आपको भी काफ़ी पसंद आने वाला है और आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं आपको एक ही लाइन में बता दूं कि इस वीडियो में होने क्या वाला है, तो मैं आपको 5 ऐसे AI टूल्स बताऊंगा जिसको यूज करके आप अपने वीडियो में कैसे एडिटिंग कर सकते हो, AI का यूज करके आप अपने टाइम भी सेव कर सकते हो, और मैं बताऊंगा भी कि आपको कैसे यूज करना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप चैनल को विजिट करें, पसंद आता है तो एक लाइक कर देना, और आपको लगता है कि ये वाला चैनल ग्रो होना चाहिए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना। चलो फिर फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो फर्स्ट AI टूल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है imagecandy.com। हर क्रिएटर को थंबनेल बनाने के लिए अलग अलग एलिमेंट यूज करना पड़ता है, लाइक फोटो, बैकग्राउंड रिमूवर, इमेज कंप्रेस फाइल, JPEG टू PNG और भी बहुत कुछ, जिसमें से हर क्रिएटर बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बैकग्राउंड रिमूव ऐप को डाउनलोड करता है, जिसमें से इमेज कंप्रेस करने के लिए अलग अलग ऐप को यूज करता है, और भी बहुत कुछ ऐप को यूज करता है। बट इस AI टूल को यूज करने के बाद आपको सब कुछ एक ही क्लिक में मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिंपल क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है imagecandy.com। आपको अपने किसी भी ब्राउजर में चले जाना है, तो मैं चले जाता हूँ गूगल में, आप किसी भी ब्राउजर में जा सकते हो। जाने के बाद आपको imagecandy.com करके लिख लेना है, तो मैंने लिख लिया। उसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शन इधर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप इमेज कन्वर्टर कर सकते हो, रिसाइज इमेज कर सकते हो, कंप्रेस इमेज, रिमूव बैकग्राउंड, इमेज टू PDF, रोटेट इमेज, फ्लिप इमेज, क्रॉप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, वाटरपार्क इमेज कर सकते हो, मीम जनरेटर, HEIC टू JPG और वीडियो टू GIF। तो अभी के लिए मैं आपको दिखाने के लिए मैं कुछ भी एक करके दिखा देता हूँ, जैसे कि रिमूव बैकग्राउंड, तो रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। उसके बाद एड फाइल्स, आपको जिस भी फोटो को रिमूव बैकग्राउंड करना है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं इस फोटो के लिए क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद अपलोड होने में टाइम लगेगा, फिर रिमूव बैकग्राउंड हो जाएगा, उसके बाद इस तरीके से चुटकियों में रिमूव कर देगा। सेकेंड AI टूल, जिसका नाम है थंबली। तो इस AI टूल का आप यूज करके आप अपने लिए क्लिकबेट एक अच्छा सा टाइटल जनरेट करा सकते हो AI की मदद से, और एक अच्छा सा थंबनेल हाई क्वालिटी में इस AI को यूज करके जनरेट कर सकते हो। तो इसको यूज करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में जाके thumbnail.ai करके सर्च मारना है। उसके बाद आपको ऐसा कुछ प्रमोट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको नीचे देखने को मिलेगा क्लिकबेट टाइटल जनरेटर, टाइटल भी आप जनरेट कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे तो थंबनेल भी आप क्रिएट कर सकते हो इसके थ्रू। तो मैं जैसे थंबनेल क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको, सिंपल क्लिक करना है। इसके लिए मैं पोर्ट्रेट मोड पे चला जाता हूँ, तो पोर्ट्रेट मोड में आने के बाद आपको बताना है कि आपको किस टाइप का चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा उसके बारे में बताना है, कौन सा कलर चाहिए, सब कुछ आपको लिख देना है। उसके बाद नीचे आपको कैटेगरी ऑप्शन मिल जाएगा, तो एंटरटेनमेंट है या फिर क्या है, आपको कैटेगरी भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, कुछ भी चूज कर सकते हो। उसके बाद स्टाइल आपको चूज करना है, उसके बाद सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इमेजेस वगैरह प्रमोट के लिए अगर कोई अपना फोटो वगैरह चाहते हो तो इसमें आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद सेलेक्ट एलिमेंट को चूज करना है, उसके बाद सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे फिर आपको कलर वगैरह थोड़ा सा इसके बारे में बताना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करोगे आपके सामने थंबनेल रेडी हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड AI टूल्स के बारे में, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ रेगुलरली, जिसका नाम है Adobe Firefly। इस AI टूल का यूज करके आप थंबनेल जनरेट करा सकते हो, थंबनेल में आपको जो चाहिए वो आप जनरेट करा सकते हो, क्योंकि आप अपना बैकग्राउंड तक रिमूव कर सकते हो, और बैकग्राउंड में अननेसेसरी हो या फिर नेसेसरी हो बहुत से एक फेक बैकग्राउंड लगा सकते हो, बेक एक स्टूडियो आप बना सकते हो। अगर आपको चाहिए एक इधर, अगर आपको इधर फ्लैम चाहिए तो आप इधर फ्लैम लगा सकते हो, अगर आपको इधर चाहिए स्टूडियो तो आप इधर स्टूडियो लगा सकते हो। तो इस AI को यूज करने के लिए आपको अपने गूगल क्रोम पे जाना है, जाने के बाद Adobe Firefly लिखना है, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे लाना है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बट आपको जनरेटेड विद Firefly आपको उस पर सिलेक्ट करना है। जब आप सिलेक्ट कर लोगे थोड़ा सा लोडिंग होगा, उसके बाद आपको जिस इमेज को भी आपको एडिट करना है उस पर आपको अपलोड करके किसी भी इमेज को अपलोड करना है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बैकग्राउंड इमेज करा था तो इसको मैं सिलेक्ट कर दिया,
सेलेक्ट करने के बाद आपको सामने ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको सिंपल बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप जो चाहे बैकग्राउंड में जहाँ भी आपको कुछ भी ऑब्जेक्ट लगाना है उस पर आपको टच करके आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको बैकग्राउंड में टच करना है, उसके बाद आपको लिखना है कि आपको किस टाइप का चाहिए। जैसे कि मैं यूट्यूब चैनल नॉलेज ऐसे करके थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ। तो जैसे आपको लिखोगे आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे अट्रैक्टिव बैकग्राउंड खुद ही AI जनरेट करके दे देगा। जो आपको पसंद हो आपको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा तो साइड में मोर का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सारे और 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो भी पसंद हो आपको सिंपल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने ही जैसे कि मुझे ये पसंद आया, अब मैंने इसको कीप कर दिया। आप बहुत सारे ऑप्शन इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद सिंपल आपको डाउनलोड करने के लिए ऊपर आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर जाके आप नीचे डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करके आप गैलरी पे सेव कर सकते हो। अब बात करते हैं 4th AI टूल्स के बारे में, जिसका नाम है Adobe Broadcast Enhance। अगर तुम एक यूट्यूबर हो और मेरी तरह वॉइस ओवर करके वीडियो बनाते हो तो तुम्हें पता ही है वॉइस कितना मैटर करता है। अगर तुम्हारे वीडियो में वॉइस एक प्रोफेशनल साउंड ही नहीं है तो तुम्हारा वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो एक साउंड काफ़ी प्रोफेशनल होगा तभी अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो ये AI टूल के मदद से आप अपने वॉइस को अपने प्रोफेशनल एक साउंड क्रिएट कर सकते हो, जिसके बाद आपका एक साउंड बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह लगने लगेगा। इस AI टूल का यूज करके आप बिल्कुल अपने नॉइज वगैरह कैंसिल कर सकते हो। इसको यूज करने के लिए आपको अपने गूगल में जाना है, गूगल में जाकर लिखना है Adobe Broadcast Enhance। उसके बाद आपको फर्स्ट पे ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको अपलोड पे क्लिक करना है और अपलोड पे क्लिक करने के बाद जिसको भी आपको साउंड को बिल्कुल प्रोफेशनल बनाना है और नॉइज जितने भी कैंसिल करना है तो उसको आपको इधर अपलोड कर देना है। अपलोड कर लेने के बाद एक कुछ टाइम लेगा अपलोड होने में। अपलोड जैसे हो जाएगा फिर ये एनहेंस की तरफ हो जाएगा, एनहेंस करने लग जाएगा। कुछ टाइम लेगा, जैसे ही कुछ टाइम लेगा आपका जो ऑडियो है रेडी हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आप डाउनलोड करके इसको आप सेव कर सकते हो अपने गैलरी में। तो आओ अब बात करते हैं लास्ट और 5th AI टूल जो कि आपको यूज़ करना चाहिए, जिसका नाम है Pictory AI। इस AI टूल का यूज़ करके आप काफ़ी मज़ेदार AI जनरेटिव वीडियो ऑडियो सब कुछ यूज कर सकते हो। जिसको बताने के लिए मुझे आपको लेके चलना होगा फोन के स्क्रीन पर। चलो फिर फोन के स्क्रीन पर चलते हैं फिर से। Rajesh was a young boy who loved to play cricket. He dreamed of becoming a professional cricketer and representing India in the international arena. He practiced hard every day, honing his skills and improving his game. He joined a local cricket club and participated in various tournaments and matches. However, Rajesh faced a lot of challenges and obstacles along the way. He was often ridiculed and rejected by his peers for his lack of talent and experience. He was not selected for the state team or the national team, despite his efforts and dedication. He faced many failures and disappointments, but he never gave up on his dream. तो बस मुझे लगता है कि आपको ये AI टूल काफी पसंद आया होगा। अगर तुम्हें ऐसे ही AI टूल चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना वेटिंग फॉर पार्ट 2 या फिर हमें पार्ट 2 चाहिए, मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लेके आ जाऊंगा। तो अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और स्टे हेल्दी। बाय बाय, मिलेंगे नए वीडियो में।